लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। आचार संहिता में थाना कैसरगंज से चंद मीटर दूरी पर दबंगों ने किया धारदार हथियार से घातक हमला। हमले में मोहम्मद शहबान गंभीर रूप से घायल। थाना कैसरगंज निवासी मोहम्मद शहबान कैसरगंज बाजार में बस स्टॉप के पास सामान लेने गया हुआ था कि पहले से ही घात लगाए बैठे दबंग मशकूर व मतलूब हसन ने स्थानीय थाने से चंद कदम की दूरी पर ही उस पर जानलेवा हमला कर दिया और चाकुओं से मोहम्मद शहबान के गर्दन, कूल्हे व सीने पर प्रहार किया। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तब तक हमलावरों ने मोहम्मद शहबान को गंभीर रूप से घायल कर उसे छोड़कर वहां से भाग निकले। घायल मोहम्मद शहबान को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत को गंभीर बताते हुए चिकित्सकों ने जनपद मुख्यालय पर रेफर कर दिया। थाना कैसरगंज अंतर्गत ये ग्राम डेहवा शेर बहादुर है, जहां के शहबान थे। ये मार्केट आए थे अपने काम से, जहां पर इनके ऊपर चाकुओं से हमला हुआ, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गए। संदर्भित प्रकरण में इनकी पुत्री की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चाकू छोड़ा सर, बहुत मालूम दही में झगड़ा करने के भतीजे हैं, भाई हैं, भतीजे है भाई कहे मारिन, मुकदमा चल रहा है। वो मारना पहले मारिन है, फिर मारिन पहले, फिर दोबारा मारिन तीसरी बार। दुश्मनी का कौन बात का लेके चला था? दुश्मनी ऐसे घर विवाद वाला, घर का मामला विवाद रहा है, तो तू मम्मी वाला भाई यहाँ चाकू घुसर दिया, ये सब काट डाला। पुलिस कहा गया था? पुलिस की काम नहीं कर रही है। कहा कह रही है पता नहीं, हम तो यहाँ पड़े अभी होश आया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समाप्त। मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध। अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है, तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।